वेलकम टू एज स्टडी पावर्ड बाय श्रीवास्तव क्लासेस है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया बाउंडेड। बेसिकली एरिया बाउंडेड आपके क्लास ट्वेल्थ में भी है और क्लास है ना क्लास ट्वेल्थ के साथ साथ में यहाँ पे जेई मेन में भी और जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे और साथ में फिर उसके अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बोलिए या फिर आप कह सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो किसी भी कर्वेचर के चलते जो एरिया निकलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के चलते जो एरिया है ना, एरिया जो कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है और साथ में कैसे किसी छोटे छोटे ग्राफ्स का या बड़े बड़े ग्राफ्स का उसके अंदर जो एरिया दब जाता है एक्स एक्सिस से या बिटवीन द ग्राफ उसके एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुनिए कसम से, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, प्लेट को ले रहा हूं, प्लेट क्या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। ठीक है, देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय द वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी है ना एंड एक्स एक्सिस। जैसे हो क्या रहा है कि सर मान लीजिए किसी फंक्शन पे चलते है ना जो एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ में या वाई एक्सिस के साथ में, कई बार आप मैं इसको जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये एक्स एक्सिस को हम लोग वाई इक्वल टू जीरो कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर वाई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए अब ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्राफ है जो कंटिन्यूस है, ए से बी में कंटिन्यूस है, तो मैंने क्या करा कि इस फंक्शन का एरिया निकालना मेरे को एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी करके। अब ध्यान दीजिए, तो सर ए से बी के बीच में मेरे को वाई इक्वल टू एफ एक्स का एरिया चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए सर, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखिएगा कि सर एक्स इक्वल टू ए से बी के बीच में, एक्स इक्वल टू ए से लेकर के बी के बीच में इस वाई इक्वल टू एफ एक्स ने जो एक्स एक्सिस के साथ में एरिया कवर करा, ठीक है, तो वो एरिया ये है सर, ये वो वाला एरिया है। अब इस एरिया को मेरे को निकालना है, हम लोग क्या करते थे, जैसे कि क्लास 12 में हमने पढ़ रखा है, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा लिमिट एडिशन है ना, तो वहां से बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी कर्वेचर का आपको एरिया निकालना है, एक छोटा सा स्ट्रिप मान लीजिए, ठीक है, उस स्ट्रिप का विड्थ डीएक्स मान लीजिए, ये स्ट्रिप का जो विड्थ है उसको मैंने बोल दिया डीएक्स, सही है, इस स्ट्रिप का विड्थ मैंने बोला डीएक्स। तो सर अगर ये डीएक्स है तो ये हाइट तो सर वाई है, ये हाइट क्या है वाई है, तो सर इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया बोलूं तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो हमने स्ट्रिप माना है ये अप्रॉक्स मैं कह सकता हूं कि इसको मैंने रेक्टेंगल की तरह माना है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका जो हाइट है ये है तो वाई है सर, अगर ये हाइट वाई है सर तो आपने इसका विड्थ कितना बोला सर, मैंने बोला डीएक्स। तो सर फिर ऐसे एरिया अगर मेरे को निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे है ना, ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल यहां से मान करके यहां से लेकर के यहां तक में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो कहां से कहां सर, ए से लेकर के बी के, तो ए से बी के बीच में अगर मैं यहां से ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल मान करके इंटीग्रेट करूं तो पूरा का पूरा यहां से ए से बी के बीच में जो फंक्शन ने एरिया कवर करा है एक्स एक्सिस के साथ में वो एरिया कवर किया। तो यानी क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि सर किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल, और अगर मैं बात कर दू अगर इसका अगर एरिया बोला जाए सर एरिया ऐसा जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल बी क्या होगा सर वाई इनटू डीएक्स, इसलिए मैं यहां पे एरिया लिख रहा हूं कि एरिया इज इक्वल टू, तो सर एरिया किसका निकालना है सर, फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सर, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लिमिट कहां से कहां लेंगे सर, ए से लेकर बी के बीच में। तो जैसे आपने यहां पे इंटीग्रेशन साइन लगाया ए से बी के बीच में, ये छोटे छोटे है ना ये स्ट्रिप रेक्टेंगल को यहां से यहां तक अगर मैं रोटेट करूं ऐसे ऐसे रेक्टेंगल को, तो ये यहां से लेकर यहां तक एरिया आ गया। अगर मान लीजिए आपने ए से लेकर बी के बीच में इसी रेक्टेंगल को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप हर जगह पर खींच रखा है, तो सर आपने जो लिमिट दिया है, ये जो लिमिट है ये लिमिट आपने कहां लिया है सर, एक्स एक्सिस में लिया है, तो अगर आपने लिमिट एक्स एक्सिस में लिया है तो इधर जो बाजू में खड़ा होगा डीएक्स है, या डीएक्स है, सही है, तो लिमिट आप एक्स में लेते हैं तो यहां डीएक्स लिखते हैं और इनटू में आपने बोला कि सर रेक्टेंगल का एरिया वाई इनटू डीएक्स, तो
सर यहाँ पे डीएक्स आ चुका है, इंटू का सही है। तो ये एरिया आ जाता है किसी भी फंक्शन का, आप जो इंटीग्रेट करते हैं, यानी या किसी भी फंक्शन का वाई इक्वल टू एफ एक्स के हिसाब से एक्स इक्वल टू ए से बी में जो एरिया कवर किया उसका एरिया निकल गया। तो ए से बी वाई इक्वल टू, अब आते हैं कि सर ये एरिया निकल गया, तो अभी जो आपने एरिया निकाला है, तो एरिया जो आपने निकाला है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, एक्स एक्सिस के। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। चलिए तो यहाँ पे फिर से वापस कर रहा हूँ कि वाई है ना, आज वाई इक्वल टू फंक्शन नहीं लेता मैं, एक्स इक्वल टू वाई लेता हूँ, एफ एक्स है ना, एक्स इक्वल टू वाई इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन वाई बिलोंग्स टू ए से बी है ना, मान लेता हूँ ऐसा है ना, देन द एरिया, देन एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन है ना एक्स इक्वल टू वाई एफ वाई फ्रॉम फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए, सॉरी एक्स इक्वल टू कह रहा हूं वाई इक्वल टू ए से लेकर के वाई इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए सर ये वापस आपने कर्वेचर माना और वो कर्वेचर ऐसा है, ठीक है, अब ये कर्वेचर आपने ऐसा माना है, तो सर मान लीजिए ये एक्स इक्वल टू है ना, एक्स इक्वल टू नाम करके हम यहां पर कह सकते हैं जो आपने लिमिट लिया वो कहां से मान लिया है ना, लिमिट लिया आपने वाई इक्वल टू ए से लेकर के वाई इक्वल टू बी के बीच में, एंड यहां पर बोल देना है आपको कि सर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस यहां पर लिख सकता हूं, सही है। अगर मान लीजिए कि y एक्सिस के साथ में आप एरिया ले रहे हैं, तो सर ये y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है तो सर ये वाला पॉइंट कौन सा बता रहा, तो सर ये y इक्वल टू a है, सर ये y इक्वल टू b है, सही है जी। तो बताना जल्दी से ये फंक्शन कौन है, फंक्शन सर x इक्वल टू f y है। तो आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो कर्वेचर में y एक्सिस के साथ में ये बाउंड कर गया, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने सिखाया था, वापस से सर एक स्ट्रिप मानेंगे यानी एक रेक्टेंगल मानेंगे है ना, और इस रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा आज ये वाई होगा, डीवाई होगा या डीएक्स होगा, सर ये डीवाई होगा, सही है। और ये जो लेंथ होगा यानी ये लेंथ हम कितना कह सकते हैं, एक्स के बराबर, सही है। चलिए तो इसको हम कह सकते हैं कि एरिया का, मैं वापस से बोलूं कि एरिया का निकालें तो कहां से कहा, ए से बी, ए से लेकर बी के बीच में, और अगर आपने देखा होगा कि सर ये रेक्टेंगल जो बना है इसका एरिया कितना होता पता चला है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सर आपको यहां पर लिखे कितना, एक्स इंटू डीएक्स, सॉरी एक्स इंटू डीएक्स करो है ना, इसको यहां पे मैं बोल सकता हूं, ये रहा आपके सामने है ना एफ वाई, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं एफ वाई इंटू में डीएक्स, सर ये आया कैसे, अभी मैं बता देता हूं एफ वाई को आपने बोला था सर ये एक्स है और ये कौन है अपना डीवाई, यानी क्या हो गया, ये विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया है ना, ये आपका लेंथ इंटू विड्थ, सही है। और इसी को आपने इंटीग्रेट करा ए से लेकर के बी तक, और यहां पे इंटीग्रेशन के एरिया, सही है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस में पहले निकाला और ये हमने निकाला, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ना कि बहुत सारा एरिया अंडर के कह सकते हैं, एरिया का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बट यही है कि सर आपको उसका ग्राफ आना चाहिए, अगर ग्राफ आपको आता है आप इजिली उसको टैकल कर सकते हैं, और अगर ग्राफ नहीं आता तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए समझ सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे चीजों को मैं बकायदा आपको कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूजन क्या निकला सीधा सीधा याद रखें आपको, ठीक है। कंक्लूजन ये निकला अपने पास में कि सर अगर मान लीजिए कि आपको एरिया एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालना है, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी ये एरिया है ना, और अगर मान लीजिए सर वाई एक्सिस के हिसाब से निकालना है तो ये एरिया है ना, ये वाई इक्वल टू ए से लेकर के बी तक, तो ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो ऐसे एरिया निकालेंगे, ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो ऐसे एरिया, उसमें एरिया आपको मैंने सिखाया कुछ देर पहले, सर मान लीजिए इसका एरिया सीधा सीधा ए से बी एफ एक्स इंटू एक्स, अच्छा सर इसका एरिया ऐसा सीधा क्या लिखेंगे, बोलो भाई साहब यहां से सीधा सीधा ए से लेकर के बी, और यहां पे क्या लिखेंगे बताना एफ वाई तुम्हें, सही है। तो ये एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है और ये एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, मैं कह सकता हूं एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, याद रहेगा इच्छा कीजिए, आप चाहे उसको नोट कर सकते हैं, बाकी मैं अगले टॉपिक को पढ़ूंगा। चलिए अगला बात करते हैं, तो सर यहां पे बेसिक ग्राफ आपको आना चाहिए है ना, फॉर एरिया के लिए बेसिक ग्राफ आपको सीख लेना, बेसिक ग्राफ, तो जैसे बेसिक ग्राफ ना मैं आपको छोटा सा कहानी सुना देता हूं पहले ना, पहले सबसे बेसिक ग्राफ हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू आपको किसी ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया, साथ में ये भी बोला ए नॉट इक्वल टू, आप कह सकते हैं ये इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक
अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं बचा एक्सप्रेशन है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से दो है ना ग्राफ जो बनता है वो ए पे डिपेंड करता है, और इसका दोनों जो ग्राफ है वो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग है ना कोएफिशिएंट, एलसी लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर ए जीरो से बड़ा है या ए जीरो से छोटा है। ध्यान रखिएगा सीधा सीधा कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है अगर वो पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो होगा वो कॉनकेव होगा, और अगर मान लीजिए ए लेस देन जीरो हुआ तो सीधा याद रखिएगा इसका ग्राफ कॉनकेव होगा, याद रखेंगे चीजें। अच्छा तो सर एक बात बताइए, इसलिए क्या क्वेश्चन आता है क्या, हमें भी आता है देखिए जाता है, मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया वाई इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, मैं क्वेश्चन थोड़ा देर ध्यान रखिएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। देखिए सर बहुत ही छोटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, पहले वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं तब जाकर के अच्छे क्वेश्चन लेके। अच्छा मान लीजिए आपको किसी ने कर्वेचर में रखा है यहाँ पे y इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले मैं इसको आराम से लिख लेना है सर ये कर्वेचर देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू ऐसे दिया माइनस का एक्स स्क्वायर और मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का x और प्लस का सिक्स, इसको अरेंज करिए वापस से, अरेंज करने के हिसाब से आप देखिए कि जो एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि a जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब ये पता चला कि सर इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कॉन्केव डाउन बनेगा, ऐसा सही है। अच्छा मैं इसको दिखाता हूँ ग्राफ इसका कैसे बनता है, फिर ग्राफ से इसका एरिया कैसे निकलेगा वो हम निकाल देंगे, सुनिएगा अच्छे से, तो देखिए जरा ध्यान से कि सर ये आ गया a लेस देन 0, a लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि सर जो ग्राफ कॉन्केविटी होगा वो डाउन डाउनवर्ड होगा। अच्छा तो सर इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ सुना तो पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, यानी पॉइंट निकालता हूँ कि जहां जहां पे x को काटेगा ये मैंने देख लेता हूँ, तो मैंने क्या करा कि y इक्वल टू देखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6 ये लिखा है ना, एट एक्स एक्सिस जिस दिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को हिट करेगा एट एक्स एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं है ना एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 सही है, तो y जिस दिन आपने 0 करा तो पहले क्या करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पता चला कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 सही भाई साहब, इसका मतलब ये पता चला कि सर x प्लस का 3 है ना इनटू x माइनस का 2 इक्वल टू 0 सही है जी। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं सर यहां पे आ गया x माइनस 3 और यहां से आ गया x इक्वल टू, यानी जो ग्राफ का कॉन्केटिव टर्म होगा वो x इक्वल टू माइनस 3 से और x इक्वल टू 2 से पास करेगा। चलिए सर ग्राफ देख लेते हैं, ये ग्राफ रहा ये x रहा ये वाई रहा और ये लिखता हूं माइनस 3 और ये लिखता हूं 2, अब इसका वर्टेक्स शब्द कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बस देख लेते हैं कि पास कैसे कर रहा, मान लेते हैं ये ऐसे पास कर रहे तो अब अपने को जो एरिया बाउंड हो गया मतलब सर इस ग्राफ में है ना इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ में ये एक्स एक्सिस था ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या ये वाला एरिया दबा दिया उसको सही, तो मेरे को ये एरिया निकाल पता है। अब एरिया कैसे निकलेगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि काम कर लीजिए सर यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल मान लीजिए है ना जिसका विड्थ आप बोलेंगे, अगर आप एरिया कहाँ निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो पहले अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखना चाहूँ अपने सामने तो एरिया क्या होगा ए से लेकर के सॉरी ए से लेकर बी या कुछ और नहीं सर माइनस 3 से लेकर के 2 तक के बीच में, तो पहले यहां पे लिखा हूं माइनस 2 सॉरी माइनस 3 और फिर यहां पे लिखता हूं 2 आ गया, तो माइनस 3 से लेकर के 2 के बीच में एरिया चाहिए अपने को, तो माइनस 3 से लेकर के 2 के बीच में एरिया जो चाहिए अपने को तो हम लोग क्या लिखेंगे सर ये रेक्टेंगल मान लो सर इस रेक्टेंगल का हाइट वाई है सर और यहां पे विड्थ कितना है तो लिख लीजिए फटाक से यहां पे वाई इंटू में और ये कहां से कहां रोटेट हो जाएगा सर 2 से लेकर सॉरी माइनस 3 से लेकर के 2 के बीच में इसको रोटेट करेंगे पूरा एरिया आ जाएगा, तो सर वाई कौन है सर वाई के हिसाब से फंक्शन जो देने का रख दीजिए वहां पे ये आ गया माइनस 3 है ना माइनस 3 से 2 और वाई की जगह पे मैं ये फंक्शन रख देता हूं ये रहा ये फंक्शन कितना लिखेंगे आप लोग 6 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू में कितना dx, और आपको बताना चाहिए इसका इंटीग्रेशन आपको आता है नॉर्मली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए समझते हैं और बेसिक से बात करें तो हम लोग पहले देख लेते हैं सर दो कर्व के बीच में एरिया कैसे निकलेगा, यहां पर लिखते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन
बिटवीन टू पर, है ना, दो कर्व के बीच में कैसे एरिया निकालेंगे, दो कर्व के बीच में कैसे एरिया निकालेंगे, तो हमने सिंगल कर्व के बीच में देखा। आइए, है ना, और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि दो कर्वेचर के बीच में कैसे एरिया निकलेगा। तो जैसे मान लीजिएगा आपके पास चार फोटो बताता हूँ, फोटो देखिएगा बताइएगा कि सर क्या इसके बीच में एरिया कैसे कैसे निकलेगा। तो एक फोटो ऐसा दे रहा हूं, दूसरा फोटो ऐसा रहा, हाँ, दो फोटो को समझते हैं फिर एरिया निकालते हैं, सुनिए अच्छे से। तो सर जैसे मान लीजिए कि इनके बीच में एरिया चाहिए x इक्वल टू a से लेकर के b के बीच में, इसको मान लीजिएगा ये y1 फंक्शन है और ये कोई y2 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको भी मान लीजिएगा कोई y1 फंक्शन है और ये कोई y2 फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है अपने पास। अच्छा, दोनों फंक्शन के बीच में अपने जो एरिया निकालना है ये वाला एरिया, सही। तो सर ये वाला एरिया कैसे आता है, तो सर आप ध्यान दीजिएगा कि सर ये वाला एरिया निकालने के लिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ में यहां से लेकर के यहां तक एरिया ये पूरा दबा दिया, ध्यान से देखिएगा, है ना, वाई वन ने पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक कैलकुलेट किया, सही है। लेकिन सर आपने को तो क्वेश्चन बस ये ब्लू सॉरी ये येलो कलर चाहिए ना सर, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि सर ऐसा कर लीजिए कि इसके बीच में आपको एरिया ऐसा निकाल लेना है कि पूरे ग्राफ में मतलब y1 में से आप पूरा ऐसा कर लीजिए कि सर ये वाला y के वाला जो एरिया है जो y2 है ना, y2 जो फंक्शन है उसमें जो एरिया है जिसे हमने कवर करा उसको हटा दीजिए, मतलब क्या कि इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हटा दीजिए, ये वाला एरिया हटेगा तो ये एरिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं ना, सीधा सीधा एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो एरिया कहां कहां से लिखेंगे, सर ए से लेकर के है ना बी में, इस फंक्शन में से है ना, इस पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से सर ये वाला एरिया हटा दो, तो मैंने क्या लिखूंगा कि ए से बी में वाई वन माइनस वाई टू, क्योंकि आपने लिमिट एक्स में लिया है तो आपको वाई वन माइनस वाई टू इन टू में यहां पे डी एक्स आएगा, सही है। तो सर एक बात बताओ, ये जो एरिया आ गया सर दो कर्वेचर के बीच में, अपने को पता चला, कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं ना, इसको याद भी रखना है अपने सर कि दो कर्वेचर के बीच में अगर एरिया निकालना तो आपको सीधा देखना है कि जो ऊंचा होगा यानी जो ऊपर होगा ऊंचा माइनस का जो नीचा होगा, सर ऊंचा और नीचा क्या याद है ना, ऊंचा और नीचा क्या सर, ऊंचा और नीचा कहने का मतलब बस इतना है कि जो y1 से ऊपर होगा सॉरी y2 से जो ऊपर होगा उसको ऊंचा बोला और जो y1 से नीचे होगा वो ऊंचा होगा, तो बस इतना ही करना है कि दो ग्राफ के बीच में अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो जो ऊपर होगा उसमें से घटा देना है नीचे वाला, फाइन। अच्छा सर यहां पर कैसे पता करेंगे कि सर ये वाला ऊपर है या नीचे है, देखिए जरा से मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, फिलहाल मैं इसको बता दूंगा फाइनली, लेकिन आप समझिएगा कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज को समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक कर्वेचर दिया है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, ये मैंने आपको दिया, ये लाइन है वाई इक्वल टू दो, है ना वाई इक्वल टू दो, एक लाइन का इक्वेशन दिया वाई इक्वल टू माइनस वन, सही है, और ये दोनों जो लाइन है इन दोनों लाइन को मान लेते हैं ये वाई वन है और ये, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया निकालना मैंने निकाला यहां से लेकर के यहां, मतलब ये वाला एरिया क्या आपको दोनों वाला जो दे रहा है एरिया, क्या ये फोटो का सीन है ना फील दे रहा है ये फोटो का, तो सर इसका एरिया निकालना यानी इसके कॉन्सेप्ट में इसका एरिया निकाल दूंगा, कॉन्सेप्ट कैसे सीखा ना डेवलप करते, सुनिए अच्छे से। मैंने क्या करा कि दोनों वाई वन और वाई टू में कुछ जोड़ दिया कॉन्सेप्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इतना जोड़ा कि दोनों ग्राफ अपवर्ड में शिफ्ट हो जाए यानी क्या पॉजिटिव एक्सिस में शिफ्ट हो जाए, तो मैंने क्या करा एड कर दिया इन वाई वन एंड y2 इज इक्वल टू फोर, तो अगर जिस दिन आप ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये वाला जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा कैसा, सुनिए अच्छे से, है ना, माइनस वन में चार जोड़ा तो वो बिकम्स तीन, तो सर ये ग्राफ यहां कर देगा, अब y1 का है ना यहां पे ग्राफ प्लॉट हो गया, अगर मान लीजिए सॉरी y1 नहीं जोड़ा ये y2 है ना, y2 में आपने है ना चार जोड़ा कितना आ गया तीन, अच्छा अब मान लीजिए कि y2 में आपने चार जोड़ा तो ये चार से तो कहां बन जाएगा छह, तो सर यहां पर ये y1 आ गया आपका छह, तो क्या आपको नहीं लगता सर आज की जो एरिया आप निकाल रहे हैं a से b के बीच में ये रहा x इक्वल टू a और ये रहा आपका x इक्वल टू b, सही है, अगर ये x इक्वल टू a है
और ये x इक्वल टू b, इसके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे सर? ये पूरा येलो कलर में चाहिए, तो पहले आप यहां तक एरिया निकाल लीजिए, मतलब क्या सर? y1 ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, वापस से ये कौन सा चला गया, जो ऊपर है वो नीचे है, तो सिमिलर है ना। तो इसको हम बार बार ऐसे जोड़ करके घटाएंगे नहीं, ताकि अपना कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाए। हम लोग और शॉर्ट में जाएंगे तो सीधा सीधा जो ऊपर होगा माइनस वो नीचे होगा, तो अपने को एरिया आएगा। अगर मैं यहां भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलूं आपको, तो सीधा सीधा आपको घटना है कि एरिया इक्वल टू मैं लिखूंगा ए से बी है ना, सीधा बाई वन माइनस बाई टू इंटू में, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा आइए सर, अब इसको एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं सीधा सीधा, अपने को समझते हैं यहां से क्वेश्चन क्या सकते हैं। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि दो कर्मीचर के बीच में अगर आपको एरिया निकालना है तो जो ग्राफ ऊपर होगा उसमें से नीचे वाले ग्राफ को हटा देंगे, सर सिंपल एरिया आएगा। अच्छा ठीक है, समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा पहले बेसिक ग्राफ समझ लेते हैं। अच्छा दो ग्राफ ये समझते हैं, एक बात है ना, कुछ बेसिक ग्राफ लेते हैं। बेसिक ग्राफ से पहले दो सेक्शन और मैं डील कर देता हूं यहाँ पे, दो सेक्शन क्या क्या समझिए बच्चे। मान लीजिए सर कल के डेट में ग्राफ ऐसा आ जाता, तो हाँ सर मान लीजिए कि दो ग्राफ और ऐसा आ जाता, तो अब कुछ नहीं करना है, आज भी वही कॉन्सेप्ट है, आज भी अपने पास वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। यहां से लेकर के ए से लेकर के बी में एरिया चाहिए आपको, और मान लीजिए है ना, कभी भी आपके पास सिचुएशन ऐसा आ जाए कि सर दो कर्वेचर का है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में एरिया फंसा हो, यानी दो कर्वेचर के बीच में पॉइंट ऑफ है ना, दो कर्वेचर के बीच में उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में एरिया फंसा हो, तो आज भी वही कॉन्सेप्ट है सर। ये इसको मान लीजिए ये y1 है और ये अपना सिंपल एरिया कैसा आ जाएगा भाई, मैंने आपको सिखाया था, आपको पूछा माइनस नीचा ए से बी में लिमिट लिया है, dx में लिमिट है, तो यहां dx आएगा और यहां पे y1 माइनस y2 आएगा, सिंपल एरिया। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो सर इसका भी बहुत ही सिंपल है ना, इसका भी एरिया अगर मैं निकालना चाहूं ये भी सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? आप ध्यान रखें, आज क्या है सर पता नहीं चल रहा है कि सर कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है, सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अपने को सर ये पूरा एरिया चाहिए, सही है। अब ये एरिया क्या है सर, किसमें कौन ऊपर है और कौन नीचे है अपने को डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, तो कभी भी एक ग्राफ यहां पे एरिया ऐसे कवर हो रहा है कि इस ग्राफ में यहां से लेकर के यहां तक अपना एरिया इतना कवर करा, ठीक है। अब ये ग्राफ में यहां से लेकर के यहां तक ये ग्राफ है, ये अपना एरिया इधर से कवर करा, तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले उसको अल्फा बोल दीजिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कर्वेचर के बीच में निकालना पड़ेगा। अब इसको मैं y1 बोल दे रहा हूं और इसको मैंने y2 बोल दिया, तो सीधा सीधा अगर मैं एरिया बोल दूं इसका कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा अच्छे से, यहां पे जॉइंट होकर एरिया निकल गया, कैसे सर? a से अल्फा तक दौड़ा, तो ये ग्राफ ने एरिया दिया जिसका नाम है y2 इनटू में dx, क्यों सर dx क्यों लिखा, क्योंकि लिमिट अपने x में लिया, सही है। अच्छा प्लस फिर सर अल्फा से लेकर के बी तक लिमिट अपने x में लिया, यहां dx और किसके चलते बना सर, ये ग्राफ के चलते, इसका नाम क्या सर, सही है। तो ये नॉर्मली इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एरिया का कर्व है ना, पर्टिकुलर केसेस में एरिया कैसे निकालते हैं। खैर मैं और आगे बात करता हूं, अपने इसको देख लिया, हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं, समझते हैं इनको क्वेश्चंस को कैसे आता है सब क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं इसको। चलिए सर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और बहुत अच्छे समझते हैं इन चीजों को, क्वेश्चन कैसे आते हैं हाँ? तो पहला क्या है कि बेसिक ग्राफ देख लेते हैं सर, बेसिक ग्राफ कैसे कैसे होते हैं है ना, बेसिक ग्राफ का मतलब ये हुआ बहुत सारे ग्राफ को हम लोग बेसिक की कैटेगरी में रख रहे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं पहला दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ कैसा होता है, तो सर वाई कोऑर्डिनेट का ग्राफ ऐसा होता है ना, ओरिजिन से पास करता हुआ, सभी के लेवल पे थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं हम लोग, बस जितने भी छोटे छोटे ग्राफ हैं उसको हम लोग एक बार असेंबल कर लेते हैं, ताकि बाद में अपने को एक जगह पे जोड़ के रखना है, इकट्ठा करके रखना है, ताकि बाद में उसके अच्छे क्वेश्चन पे हम उसको यूज कर सके। तो सर मान लीजिए y इक्वल टू कल के डेट में माइनस 6 हुआ, तो है ना आपको सबको पता होगा कि सर ये ग्राफ ऐसे ना कर करके ऐसे जाएगा, सही है, ये ग्राफ आंसर इधर। अच्छा तो अगर मैं थर्ड पे पूछूं आपसे कि सर कल के डेट में मान लीजिए y इक्वल टू 1 बाई x का ग्राफ आ गया, तो सर ऐसा ग्राफ कुछ नहीं सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सभी ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ये ऐसा और ये ऐसा, सही है। अच्छा पॉइंट नंबर 4 सर, वाई इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर आ जाए, या
एक्स की पावर चार आ जाए या एक्स की पावर छह हो जाए, है ना, डॉट डॉट हम कह सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक्स की पावर में यहां पे जो चल रहा है वो इवन चल रहा है, इवन इवन इवन, और यहां भी यार इसका जो ग्राफ होगा लगभग सभी का ग्राफ का फोटो है ना, आप इसका बना लीजिए, लगभग सबका फेस वैसे ही रहेगा, वो थोड़ा बहुत है ना स्ट्रिक कम होगा या फिर कह सकते हैं उसकी वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सबका फोटो ऐसे ही रहेगा, सही है। अच्छा अगला ग्राफ देख लेते हैं, पॉइंट नंबर पांच, सर मान लीजिए वाई पर ऐसा ग्राफ आता तो माइनस एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं, इसी ग्राफ को हम लोग उल्टा बना देते हैं, और आपको बताओ भी होना चाहिए इसको, है ना, बहुत अच्छे से लोग जानते हैं इसको, हम पैराबोला बोलते हैं, कौन सा पैराबोला, है ना, आपके मन में आ रहा होगा सर, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैराबोला कौन सा पैराबोला सर, अपवर्ड पैराबोला, है ना, सही है, अपवर्ड पैराबोला होगा, तो सही वाला कौन सा, अपवर्ड, चलिए अब सुनिए, पॉइंट नंबर छह, है ना, सिक्स पे आता हूं मैं, पांच के बाद पॉइंट नंबर सिक्स होगा, समझिए अच्छे से, अगर मान लीजिए सर वाई पर अंडर रूट ऑफ एक्स दिया तो, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर में वन बाई टू, कल के डेट में सर एक्स के पावर एक बेटा चार आ गया तो, सर एक्स के पावर वन बेटा छह आ गया तो, सर कुछ भी आ जाए, एक्स के पावर वन बाई इवन दिखा दो सर, है ना, बस एक का फोटो याद रखेंगे, बाकी सब तो अपने आप याद हो जाएगा, बस एक ग्राफ ऐसा रखिएगा, पैराबोला ये वाला राइट हैंडेड का एक टुकड़ा, सही है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होता है, और अगर आपने इसका ग्राफ बनाया ऐसा होता है, हाँ, लेकिन सर यहाँ पे वाई इक्वल टू अंडर रूट लगा दिया, बस ये ऊपर वाला पार्ट लेना है, तो बस आपको ध्यान रखना है इस बात को कि अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, ये जो मैं ग्राफ आपको बेसिक बता रहा हूं, इसका ग्राफ को आपको कम से कम तीन से चार बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो एरिया का बहुत ही अच्छा। चलिए पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन क्या होगा सर, मान लीजिए सर वाई इक्वल टू हमने ऐसा ग्राफ बना लिया तो वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना, वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स की पावर फोर, वन बाई एक्स की पावर सिक्स, डॉट डॉट डॉट, सही है, आप देख लोगे कि सर एक्स का जो इवन है पावर है वो इवन चल रहा है डिनोमिनेटर में, तो बस इसका ग्राफ आपको कुछ नहीं करना है, किसी ग्राफ ऐसा बना देना है ना, ये ग्राफ ऐसा और इधर से ये ग्राफ ऐसा, क्योंकि जीरो पे दोनों डिफाइन नहीं है, सही है। चलिए अब ये मैंने आपको बेसिक ग्राफ सिखाया कुछ, है ना, पॉइंट नंबर सात तक आपको ग्राफ चाहता हूं मैं, आइए है ना पॉइंट नंबर एट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर एट जो होगा ऐसा ग्राफ है ना वो बहुत ही आसान, चलिए देखिए पॉइंट नंबर एट पे ग्राफ देखते हैं, तो पॉइंट नंबर एट का जो ग्राफ होगा हम इसको कह सकते हैं कि सर वाई इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स का ग्राफ सभी लोगों ने पढ़ रखा है, फंक्शन तो इलेवन में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, सॉरी इलेवन में ही पढ़ाया जाता है और साथ में ट्वेल्व में ही पढ़ाया जाता है, बट इलेवन में थोड़ा सा बेसिक समझाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये आप कह सकते हैं वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा, ये इधर जाता हुआ और ये इधर जाता हुआ, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट इक्वल टू जीरो है, आई बस अच्छा y इक्वल टू पॉइंट, हाँ पॉइंट नंबर नाइन ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि y इक्वल टू ऐसा देते तो सर माइनस का मॉड एक्स, कुछ नहीं ये ढक्कन ऊपर जा रहा है, ढक्कन नीचे कर देना है सीधा सीधा, अब ये ग्राफ भी पता होगा, ये ग्राफ ऐसा, सही है। तो ये 10 बेसिक ग्राफ है, जो 10 बेसिक ग्राफ में आपको याद रखना है कि हाँ कैसा कैसा फोटो बनने वाला है, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिए पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ना एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, एक्स इक्वल टू फोर वाई, सही है। अच्छा आपको मैं बता दूं वापस से, अगर कोई भूल गया होगा तो मैं वापस से बता देता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इट रिप्रेजेंट राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स इट रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर कह रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया यहां पे फोर ए वाई, आपको सबको पता है अभी भी पढ़ा हमने कि ये राइट हैंडेड ना करके अपवर्ड पैराबोला, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस का फोर ए वाई, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसका जो पैराबोला होगा ये डॉक्यूमेंटेड होगा, सही है। आइए अब मैंने आपको सारा फोटो बता दिया, ध्यान से देख के बताइएगा क्या ये वाला कर्वेचर आप प्लॉट कर पाएंगे, अगर आपने ये कर्वेचर प्लॉट कर लिया तो ऑब्वियस बात है ये भी आप प्लॉट कर पाएंगे, तो आइए मैं फोटो आपको जस्ट से दिखा देता हूं, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है तो सर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ये वाला फोटो, यानी राइट हैंडेड पैराबोला, सही है, ये पैराबोला एक ऐसा और एक पैराबोला ऐसा, सही है। अच्छा इस पैराबोला के बाद में सर ये वाला पैराबोला को ड्रॉ करो, ध्यान से देखना क्या
क्या ये पैराबोला ऐसा जाएगा? सही है। अब मतलब ये पता चला कि सर ये वाला एरिया, अब इसके पीछे बोला जा रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, यानी इसके और इसके बीच में जो एरिया बाउंड हो गया है उसके बीच का एरिया चाहिए। तो सर ये वाला एरिया लिखा आपने, लिखा। अब ये वाला एरिया चाहिए सर, एरिया कैसे निकलेगा? मैंने पहले बताया था कि दो कर्वेचर के बीच में कभी भी एरिया, जब मैंने आपको फोटो आना या फोटो में दिखा देता हूं, किसी ने पढ़ा होगा ये फोटो, मैंने कुछ देर पहले ये बताया था। सही है। तो सर मैंने सिखाया था कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में एरिया फंसा हुआ है। तो पहला काम क्या होगा सर, स्क्रिप्ट नंबर वन में बता देता हूं, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। है ना, मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो आपको तो पता चल रहा है ये वाला जो पॉइंट है ये तो साफ से पता चल रहा है 0.0, एक पॉइंट तो आ गया। दूसरा बस ये निकालते हैं ये जो भी पॉइंट होगा। अब मैंने क्या करना, सुनना जैसे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यूज करना दोनों कर्वेचर को। तो मैंने बोला कि सर एक देख लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सही है, और दूसरा देख है x स्क्वायर इक्वल टू 4, सही है। अब मैंने क्या करा कि यहां से निकाल दिया x इक्वल टू y स्क्वायर y, है ना। कई लोग बच्चे क्या करते ना कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए अपने को तो x भी निकालते और y भी निकालते, क्यों निकाल रहे, पेपर में टाइम नहीं अपने पास। अच्छा, तो अपने को अगर मान लीजिए आप लिमिट x में लेना चाहते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको x में कन्वर्ट कर दिया। अब इस x का वैल्यू, हाँ अच्छा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इधर से मैं x का वैल्यू निकाल करके यहां पर रख दिया। तो यहां से अगर मैंने x का वैल्यू यहां रख दिया तो ये जो वैल्यू आएगा ना वो y के टर्म में आ जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि x के टर्म में निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि x निकाल करके ना, x ना निकाल करके सीधा सीधा y निकाल देता हूं। सुनिएगा अच्छे से, क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर ये आ गया x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू y, और इस इक्वेशन का वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने लिखा x स्क्वायर बाय 4 पावर 2 इज इक्वल टू लिखा 4x, है ना। बच्चे बच्चों को पता सर स्क्वायर खुलेगा तो x की पावर 4 और यहां आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4x। और अगर मैं इसको और अच्छे सॉल्व करूं तो ध्यान से देखिएगा कि ये x के पावर 4 इज इक्वल टू 64x, है ना। इसको कॉमन लिया x और यहां लिखा x क्यूब और माइनस का लिखा 4, है ना, 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, अरे ये क्यूब बनेगा ना वैसे, है ना, और क्यूब किसका होता है 4 का क्यूब होता है। तो मान लीजिए सर जो पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0 तो आ गया था सर यहां, अब ये वाला पॉइंट है 4। तो सर एरिया निकालने के लिए मैंने बोला था इसका अगर एरिया निकालना है तो बस एक छोटा सा रेक्टेंगल मान लीजिए ऐसा, है ना, जिसका विड्थ होगा dx, है ना, विड्थ होगा यहाँ पे dx x एक्सिस के हिसाब से लेंगे और इसका जो हाइट होगा ये होगा, है ना, y2 माइनस सही है। अच्छा, ये y2 माइनस y1 हम किसी भी कर्वेचर को मान सकते हैं जो ऊपर है, ये जो ऊपर है इसको हमने बोला, ये जो कर्वेचर है ये जो ऊपर वाला लाइन है ये वाला जो कर्वेचर है इसको बोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये वाला जो कर्वेचर है ना, ये वाला कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है आपका x स्क्वायर इक्वल टू, तो सीधा सीधा विभाग करें ऊंचा, है ना, माइनस का, सही है। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं तो ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा एरिया, या आ गया एरिया कहां से कहां निकाला सर, जीरो से लेकर चार में, जीरो से लेकर के चार में, इसको मैंने बोल दिया ये वाई वन है और इसको मैंने बोल दिया ये वाई टू है। तो कभी भी आपने जो लिमिट लिया है सर एक्स में तो यहां पर आपको डीएक्स लिखना पड़ेगा, जैसे ही डीएक्स लिया तो सर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जो ऊपर है माइनस जो नीचे है, तो मैं लिख रहा हूं वाई वन माइनस वाई टू। सर वाई वन को पता चल रहा है कि सर ये इतना लिमिट है तो पहले वाई वन लिख देते हैं, इसलिए यहां पर लिख देता हूं बिकॉज ऑफ वाई वन इज इक्वल टू रूट अंडर, है ना, 4x, ठीक है। दूसरा एंड साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये वाई वन तो इतना आ गया तो सर मेरे को पता है कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y2, तो वाई टू यहां से निकल के आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4, फाइनली हम सब कर देंगे वहां पे, इसलिए एरिया यहां से लिखेंगे 0 से 4 और वाई वन के जगह हम लोग ये भर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 4x माइनस ऑफ वाई टू के जगह हम ये भर रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ब्रैकेट क्लोज और इनटू में लिखा
सही है। अब इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन के बाद हम आंसर लिख लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं ऑटोमेटिकली, देखिएगा। चलिए अब इसका जो एरिया है ध्यान से देखते हैं, है ना, इसका एरिया आपने को लिख देना सीधा सीधा इसका, है ना, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देगा। जीरो से लिखा चार, अंडर रूट से चार, बारह से दो देगा, और यहां लिखा रूट अंडर एक्स, इधर लिख दिया डी एक्स, है ना, माइनस जीरो से लिखा चार और यहां लिख दिया एक बटा चार बाहर, यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू में, है ना, सर ब्लू चौक से आपको नजर नहीं दिख रहा हूं। चलिए देखिएगा, तो सीधा सीधा मैं इसका एरिया लिख रहा हूं, टू बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है ना, इंटू लिखते हैं टू बाई थ्री इंटू में एक्स के पावर थ्री बाई टू, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां, जीरो से लेकर के चार, अच्छा माइनस एक बटा चार, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अपने को पता है सर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, और कहां से कहां सर, जीरो से लेकर के चार। आइए सर लिमिट पुट कर देते हैं सीधा सीधा, लिमिट अगर पुट करो दिया गया चार बटा तीन, और यहां रखेंगे चार, ये चार के पावर तीन बटा दो, माइनस रखा माइनस जीरो रखेंगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब सीधा मैं इसके आ जा रहा हूं, एक बटा चार, और यहां देखिएगा तो ये चार का पावर तीन डिवाइडेड बाई तीन, है ना, और माइनस में ये जीरो आएगा तो पूरा का पूरा जीरो, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पे सही है ना। तो और ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आएंगे, बेसिक्स के साथ में अगले क्लास में अगर मैं इस चैप्टर को आगे शीट करूंगा, है ना, या प्रोसीड करूंगा यहाँ पे, तो अच्छे क्वेश्चन के साथ में आएंगे, है ना, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। चलिए, थैंक यू।